दोस्तों आज मैं आपको आपके बचपन के समय में ले जाने वाला हूँ जो लाखों के दिल के करीब है और आई एम श्योर कि ये आपके भी सबसे पसंदीदा कार्टून्स में से एक रही होगी। तो बिना समय गवाए चलिए शुरुआत करते हैं मूवी के कहानी से। फिल्म की शुरुआत रेगिस्तान के बीच बसे आगरा राज्य से होती है जहाँ एक फेरी वाला अपने एंटी कलेक्शन से अपना सबसे मूल्यवान वस्तु चिराग निकालता है जिसका मूल्य समझाने के लिए वो ऑडियंस को एक पुरानी पर सच्ची कहानी सुनाने लगता है। कहानी की शुरुआत एक कपटी जादूगर और आगरा राज्य के वजीर जाफर से होती है जिसके पास यागो नाम का एक बोलता तोता भी है। जाफर दरअसल कई सालों से एक जादुई चिराग की तलाश में जो एक गुप्त और जादुई गुफा में छिपी है जिसे वो किसी भी कीमत पर पाना चाहता है, पर गुफा तक पहुंचने के लिए उन्हें एक रहस्यमय चाबी की तलाश है जिसके लिए उसने एक शातिर चोर को भी हार किया जिसे पाने में वो चोर सफल भी रहता है। अब उस चाबी को जोड़ते ही वो एकदम से जिंदा हो जाता है जो सीधे उन्हें उसी गुफा तक ले जाता है जो एक विशाल शेर के मुंह जैसा नजर आता है। जाफर अब चोर से कहता है कि वो बस उसे अंदर से एक मामूली चिराग ला कर दे जिसके बदले वो गुफा के अंदर की सारी दौलत अपने पास रख सकता है। पर अब जैसे ही वो चोर गुफा के अंदर प्रवेश करने वाला होता है गुफा का गार्डियन एकदम से जिंदा हो जाता है जो उसे चेतावनी देता है कि इस गुफा के अंदर सिर्फ एक नेक दिल इंसान ही प्रवेश कर सकता है। पर चोर उसकी बात को अनसुना करके गुफा के अंदर प्रवेश कर जाता है जिसके ऐसा करते ही वो गुफा एकदम से बंद हो जाती है। इसके बाद अब सीन आगरा के सिपाहियों की तरफ मुड़ जाती है जो एक शातिर चोर अलादीन के पीछे पड़े होते हैं जो खाने के लिए एक ब्रेड चुरा कर भाग रहा होता है जिसमें उसका साथ उसका जिगरी दोस्त एक बंदर आबू भी देता है। पर फुर्तीले अलादीन और आबू को पकड़ने में सिपाहियों के पसीने छूट जाते हैं जो उन्हें चकमा देने में कामयाब हो जाते हैं। हालांकि जब वो चोरी का इनाम आराम से खाने बैठते तो उन्हें वहाँ कुछ गरीब और भूखे बच्चे नजर आते हैं, इसलिए दयालु अलादीन और आबू उन्हें अपने ब्रेड दे देते हैं क्योंकि अलादीन दिल से बहुत ही ईमानदार और केयरिंग इंसान है जिसका सपना है एक दिन अपनी जिंदगी को बदल सके और कुछ बड़ा करके दिखाए। वहीं यहाँ आगरा के सुल्तान और राजकुमारी जैस्मिन के पिता अपनी बेटी को समझाते कि शाही नियम के अनुसार उसे किसी राजकुमार से शादी करनी होगी, लेकिन वो अपने दोस्त और एक शेर राजा के साथ मिलकर आए दिन उसे देखने आए हर राजकुमार को भगा देती है क्योंकि वो उसी इंसान से शादी करना चाहती है जिससे वो प्यार करती है। पर जैस्मिन के इस जिद से सुल्तान हमेशा परेशान रहते हैं, इसलिए वो अपने वजीर जाफर से इस बारे में बात करते हैं। इस पर जाफर कहता है कि अगर वो उसे वो जादुई अंगूठी दे दे जो उन्होंने पहन रखी है तो वो उसकी मदद से राजकुमारी जैस्मिन के लिए एक अच्छा राजकुमार तलाश करेगा क्योंकि ये अंगूठी किसी खास इंसान या चीज को खोजने में काम आती है जिसे सुल्तान उसे देने से इनकार कर देते। लेकिन अगले पल जाफर उन्हें अपने जादुई छड़ी से हिप्नोटाइज करके उन्हें वो अंगूठी देने पर मजबूर कर देता है, यानी कि जाफर सुल्तान को इसी तरह अपने वश में करके अपने ही मन की कराता रहता है। अब रात होती ही जैस्मिन चुपके से महल से बाहर जाने की कोशिश करती है लेकिन उसका पालतू राजा उसे रोकने की कोशिश करता है। पर जैस्मिन उसे समझाती कि उसका महल में दम घुट रहा है और उसे बाहर की दुनिया देखनी है, इसलिए आखिर में राजा उसे जाने देता है। अब अगले दिन बाजार में अबू और अलादीन को रोज की तरह पेट भरने के लिए खाना चोरी करते नजर आते हैं, जिस दौरान अलादीन की नजर जैस्मिन पर पड़ती है जिसकी खूबसूरती का अलादीन एकदम से दीवाना हो जाता है। जैस्मिन फिर एक भूखे बच्चे को एक फल की दुकान से एक सेब उठा कर देती है। इस पर दुकान वाला जैस्मिन से इसके पैसे की मांग करता है लेकिन जैस्मिन के पास पैसे ना होने पर वो उसे पनिश करने पड़ता है। पर अलादीन सही समय पर जैस्मिन को बचाकर उसे वहां से भगा ले जाता है। दूसरी ओर जाफर सुल्तान की जादुई अंगूठी से उस सच्चे दिल वाले इंसान को खोजने में लग जाता है जो गुफा में प्रवेश कर सके और जवाब में उसे अलादीन की तस्वीर दिखाई देती है। वहीं अलादीन जैस्मिन को लेकर अपने ठिकाने पर आता है जहां वो जैस्मिन से अपने महल में रहने के सपने के बारे में शेयर करता है, लेकिन इस पर जैस्मिन कहती है कि वो तो महल में रहने के बजाय आजाद रहकर पूरी दुनिया घूमना चाहती है। वो दोनों अपने दिल की बातें शेयर ही कर रहे होते हैं कि तभी सिपाही अलादीन को बंदी बना लेते हैं जो देख जैस्मिन अपना असली पहचान रिवील करके उन्हें अलादीन को छोड़ने का आदेश देती है। पर सिपाही जवाब देते कि वो चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि ये आदेश वजीर जाफर से आया है। जैस्मिन अब तुरंत जाफर को कन्फ्रंट करती है जो जवाब में उससे झूठ कहता है कि अलादीन पर उसे अगवा करने का इल्जाम है, इसलिए अगले दिन उसे सजा के तौर पर मार दिया जाएगा। जो बात सुनकर जैस्मिन काफी दुखी हो जाती है क्योंकि वो अलादीन को पसंद करने लगी थी और अब उसके कारण उसे फांसी पर लटका दिया जाएगा।
लेकिन रियलिटी में जाफर ने अलादीन को चिराग पाने के लिए पकड़ा था। इसलिए सलाखों के पीछे जब अलादीन अपने फूटे किस्मत पर रो रहा होता है कि अगर वो शाही घराने से होता तो उसे लोग स्ट्रीट रैट नहीं कहते। तभी फिर जाफर एक बुजुर्ग के भेष में वहाँ आता है जो उसे उसी चमत्कारी गुफा और उसके अंदर छिपे ढेर सारे खजाने के बारे में बताता है, जिनके दम पर वो राजकुमारी जैस्मिन का हाथ सुल्तान से मांग सकता है, जिसके बदले उसे सिर्फ वहाँ रखा चिराग उसके लिए लाना होगा। अलादीन अब ऐसा मौका हाथ से जाने नहीं दे सकता था, इसलिए वो ये काम करने के लिए मान जाता है, जिस पर फिर जाफर उसे गुप्त रास्ते से बाहर निकालकर उस गुफा के पास लेकर आता है। अब यहाँ जब अलादीन गुफा में प्रवेश करने के लिए आगे बढ़ता है, गुफा का गार्डियन उसे चेतावनी देता है कि वो अंदर तो जा सकता है लेकिन चिराग के अलावा किसी भी चीज को ना छुए, क्योंकि ऐसा करने से सब कुछ बर्बाद हो सकता है। अब गार्डियन की इस बात को ध्यान में रखते हुए अलादीन आबू के साथ चमत्कारी गुफा में प्रवेश कर जाता है, जहां उन्हें चारों तरफ बेशुमार दौलत नजर आती है। लेकिन अलादीन आबू को कुछ भी छूने से मना करता है और वो चिराग को ढूंढने में लग जाता है। तभी एक जादुई कालीन जो लगातार आबू को परेशान कर रही थी, वो अलादीन को पसंद आती है, इसलिए वो उस कालीन से जादुई चिराग के बारे में पूछता है, जो फिर उसे चिराग तक ले जाती है। लेकिन जैसे ही अलादीन चिराग को उसकी जगह से उठाता है, वैसे ही आबू भी एक चमत्कार पत्थर को देखकर खुद को रोक नहीं पाता और उसे छू लेता है, जिस वजह से अब पूरी की पूरी गुफा ढहने लगती है। अलादीन अब तुरंत उस उड़ने वाले जादुई कालीन में सवार होकर आबू के साथ गुफा के दरवाजे तक पहुंच जाता है। लेकिन गुफा के एंट्रेंस पर खड़ा जाफर अलादीन से वो जादुई चिराग छीन कर आबू और उसे भी अंदर ढकल देता है, जिसके तुरंत बाद वो गुफा फिर से रेगिस्तान में समा जाती है। पर फिर जाफर को एक बड़ा झटका लगता है कि वो जादुई चिराग तो उसके पास है ही नहीं, क्योंकि आबू ने चलाकी से उससे वो चिराग चुरा लिया था, जो वो अलादीन को सौंप देता है। अलादीन को उसे देख अब समझ नहीं आता कि इसमें ऐसा खास क्या है, इसलिए वो साफ करने के इरादे से उसे घसने लगता है, जिसकी ऐसा करते ही उसके अंदर लाखों साल से कैद जादुई जीनी बाहर आता है, जिसे देख सभी एकदम से चौंक जाते हैं। जीनी दरअसल एक शक्तिशाली और जादुई जीव है जो लाखों साल से चिराग में कैद था, जो व्यवहार में काफी फनी चीयरफुल और केयरिंग जीव है। अलादीन के उससे उसके बारे में पूछने पर वो उसे बताता है कि अलादीन उससे अपनी मनचाही कोई भी तीन इच्छाएं मांग सकता है, पर इसके साथ ही जीने तीन नियमों के बारे में भी बताता है। पहला कि वो किसी को भी जान से नहीं मार सकता, दूसरा वो किसी को प्यार करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता, और आखिरी कि वो किसी मरे हुए इंसान को वापिस जिंदा नहीं कर सकता। पर यहाँ अलादीन चालाकी दिखाते हुए जीनी से कहता है कि उसे नहीं लगता कि वो किसी भी तरह की इच्छा को पूरी कर सकता है, अगर वो उन्हें इस गुफा से जिंदा बाहर निकालकर दिखा दे तो वो उसकी बातों को मान जाएगा। अब इससे बेवकूफ जीनी अलादीन के चालाकी में आ जाता है और बिना कोई इच्छा पूरी किए वो उसे गुफा से बाहर ले आता है। वहीं जैस्मिन ने ठान ली थी कि जैसी वो शादी के बाद राजकुमारी बन जाएगी, वो जाफर के अपराध के लिए उसे फांसी पर लटका देगी, जिससे अब जाफर गंभीर समस्या में पड़ जाता है। तभी शाती रिया को जाफर को सुझाव देता है कि वो खुद जैस्मिन से शादी कर ले, जिससे वो आगरा का नया सुल्तान बन जाएगा, जिससे कोई भी उसका बाल बाका नहीं कर सकेगा। इधर अलादीन खुद की इच्छा मांगने से पहले जीनी से उसकी इच्छा पूछता है, जो बात जीने के दिल को छू जाती है, क्योंकि आज तक उससे किसी ने भी ये बात नहीं पूछी थी। वो अलादीन से कहता है कि वो आजाद होना चाहता है ताकि वो अपनी मर्जी से दुनिया जी सके, अगर कोई उसे आजाद करने की इच्छा उसे मांगे तो ही वो आजाद हो सकता है। जो बात सुनकर अलादीन जीनी से वादा करता है कि वो दो इच्छाएं मांगने के बाद तीसरी इच्छा के तौर पर उसकी आजादी मांग लेगा, जिस बात से जीनी काफी खुश हो जाता है और वो अलादीन से उसकी दो इच्छाएं बताने को कहता है। अब क्योंकि अलादीन जैस्मिन को पसंद करता था, इसलिए उसे पाने के लिए वो जीनी से उसको एक राजकुमार बनाने की इच्छा जाहिर करता है, जिसे फिर जीनी पलक ही झपकते पूरी कर देता है, और साथ ही जीनी आबू को एक शाही हाथी में भी बदल देता है ताकि अलादीन उस पर बैठकर जैस्मिन से मिलने के लिए जा सके। वहीं उधर महल में जाफर सुल्तान को जैस्मिन के साथ उसकी शादी का ऐलान करने के लिए फिर से हिप्नोटाइज करने की कोशिश करता है, पर बाहर से आ रहे शोर से सुल्तान का ध्यान भटक जाता है, जिसे जब वो देखते हैं तो वहाँ अलादीन अपने नए रूप में एक ग्रैंड परेड और शानो शौकत के साथ सुल्तान के महल की तरफ बढ़ रहा होता है जैस्मिन का हाथ मांगने के लिए, जिसे जाफर भी पहचान नहीं पा रहा था कि वो रियलिटी में अलादीन है।
आप जब ये ग्रैंड परेड महल के अंदर पहुंचता है तो सुल्तान उससे काफी इम्प्रेस हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि यही जैस्मिन के लिए एक आइडियल मैच है, पर इससे जफार को एतराज होता है, जिससे अब अलादीन और उसमें बहस हो जाती है। लेकिन इससे जैस्मिन भी भड़क जाती है, क्योंकि वो कोई चीज नहीं है जिसे वो हासिल करना चाहते है। अब ये देखकर अलादीन को काफी दुख होता है, इसलिए वो जैस्मिन को मनाने की कोशिश करता है और उसका मूड ठीक करने के लिए उसे कालीन पर बिठाकर राजे की सैर कराने ले जाता है, जिसमें जैस्मिन को काफी मजा आता है। जिसी दौरान वो अलादीन को भी पहचान लेती है कि ये वही लड़का है जिसने उसकी जान बचाई थी। लेकिन अलादीन फिर से सच ना बताकर झूठ कहता है कि असल में तो वो एक राजकुमार है, लेकिन कभी कभी उसे एक आम आदमी की तरह बाजार में घूमना अच्छा लगता है, जिस बात को राजकुमारी विश्वास कर लेती है। अब अलादीन ने झूठ यहाँ फिर से इसलिए कहा क्योंकि उसे डर था कि अगर जैस्मिन को पता चल गया कि वो असल में सड़कों पर रहता है और चोरी करके अपनी जिंदगी चलाता है तो शायद जैस्मिन उसे कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी। दोनों भी फिर एक यादगार पल बिताते हैं, जिसके बाद अलादीन उसे वापस महल छोड़कर चला आता है। पर इसके तुरंत बाद जाफर के हिप्नोटाइज सिपाही अलादीन को पकड़कर उसके सामान के साथ एक पत्थर से बांधकर पानी में डूबकर मरने के लिए फेंक देते हैं, ताकि जाफर के रास्ते का कांटा हट जाए। पर भाग्य से अलादीन के सामान से चिराग बाहर आ जाता है, जिसे देखकर अलादीन उसके करीब जाकर जीनी को बाहर निकालता है, जो फिर सही समय पर अलादीन को पानी से बाहर निकालकर उसकी जान बचा लेता है। यानी कि इस तरह से उसने अलादीन की दूसरी इच्छा भी पूरी कर दी। इसी बीच सुल्तान जाफर के हिप्नोटिज्म में जैस्मिन की शादी उससे तय कर देते हैं, पर तभी वहाँ अलादीन भी पहुंच जाता है, जो समझ चुका था कि जाफर अपनी जादुई छड़ी की मदद से सुल्तान को हिप्नोटाइज कर रहा है, इसलिए वो जाफर की छड़ी उससे छीन कर उसे तोड़ देता है। अब अपना पर्दाफाश होते देख जाफर यागो के साथ वहाँ से भाग खड़ा होता है। हालांकि जाने से पहले उसने अलादीन के पास वो जादुई चिराग देख लिया था। वहीं क्योंकि सुल्तान अपने होशो आवाज में अब आ चुके थे, वो अपनी बेटी के लिए खुश थे कि उसने फाइनली अपनी पसंद से एक राजकुमार को चुन लिया। इसी बीच जाफर यागो से वो चिराग चोरी करके लाने के लिए कहता है, पर यहाँ अलादीन को पछतावा होने लगता है कि उसने जैस्मिन और सुल्तान से झूठ कहा, क्योंकि वो असल में एक राजकुमार नहीं है। इसलिए वो जैस्मिन और सुल्तान को सच्चाई बताने के लिए निकल पड़ता है, लेकिन उसके यहाँ ना होने का फायदा उठाकर यागो चिराग चोरी करने में कामयाब हो जाता है। उधर महल में इससे पहले कि अलादीन अपनी सच्चाई सुल्तान को बता दे, वो तब तक जनता के सामने ये ऐलान कर देते हैं कि जैस्मिन की शादी अलादीन से होने वाली है। वहीं दूसरी तरफ जाफर को जैसी यागो चिराग ला कर देता है, वो जीनी से अपनी पहली इच्छा के तौर पर उसे सुल्तान बनाने की इच्छा मांगता है। इसलिए मजबूरन में जीनी जाफर को सुल्तान बना देता है, क्योंकि बीइंग अ जीनी वो चिराग के नियमों से बंधा हुआ था। पर जाफर की भूख इतने से नहीं भरती, वो ताकतवर बनने की भूख में जीनी से कोई को सबसे बड़ा जादूगर बनाने की दूसरी इच्छा जाहिर करता है, जो पूरी होते ही वो अलादीन का असली रूप सबके सामने ला देता है। और जब इतने से भी उसका मन नहीं भरता तो वो अलादीन आबू और कालीन को दूर बर्फीले इलाके में मरने के लिए भेज देता है। लेकिन अलादीन किसी तरह से आबू और कालीन को बचाकर उसमें बैठकर वापस लौट आता है, जहां अब उसे पता चलता है कि जाफर ने सुल्तान को कठपुतली तो जैस्मिन को अपना गुलाम बना लिया है। लेकिन जैस्मिन अब भी जाफर को अपना राजकुमार मानने से इनकार कर रही थी, इसलिए फिर जाफर जीनी से अपनी आखिरी इच्छा के तौर पर ये विश मांगता है कि जैस्मिन को उससे प्यार हो जाए। लेकिन सिंह से जीनी के नियमों के खिलाफ था, इसलिए जीनी उसकी ये इच्छा मानने से इनकार कर देता है। तभी फिर वहाँ अलादीन और आबू को देखकर जैस्मिन जाफर को अपनी मीठी मीठी बातों में उलझाने की कोशिश करती है, ताकि अलादीन वो चिराग उससे गायब कर सके। पर इसका कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि इससे पहले कि अलादीन जादुई चिराग ले पाता, जाफर उसे देख लेता है, जो फिर गुस्से में जैस्मिन को एक डूबते रेत के ग्लास में कैद करने के बाद आबू को खिलौने में तो कालीन को धागे के ढेर में बदल देता है। जीसी के साथ फिर वो खुद को एक बड़े से सांप में बदलकर अलादीन को मारने की कोशिश करता है, पर इससे पहले कि जाफर उसे पूरी तरह से मसल देता, एक बार फिर चालाक अलादीन उसे भड़काता है कि वो कुछ भी कर ले पर वो जीनी से ज्यादा ताकतवर नहीं बन सकता। बेवकूफ जाफर अलादीन के बातों में सच में आ जाता है, इसलिए वो जीनी से अपनी आखिरी इच्छा के तौर पर उसे सबसे ज्यादा ताकतवर एक जीनी बनाने की मांग करता है, जिसे जीनी को पूरा करना ही पड़ता है, जो अब देखते ही देखते एक ईवल और ताकतवर जीनी में बदल जाता है। पर जाफर ये भूल गया था कि एक जीनी बनना यानी कि अब वो दूसरों का गुलाम है।
इसलिए अब शातिर अलादीन फिर यागो और उसे उसी के चिराग में कैद कर देता है, जिसके बाद वो जैस्मिन को कैद से रिहा करता है और जाफर के कैद होने से बाकी भी ओरिजिनल रूप में आ जाते हैं। पीर जी ने जाफर वाली उस चिराग को दूर रेगिस्तान में फेंकवा देता है और अब वादे के मुताबिक अलादीन जीनी से अपनी आखिरी इच्छा के तौर पर उसकी आजादी मांग लेता है, जिससे जीनी काफी खुश हो जाता है क्योंकि अब वो आजाद हो चुका था, जिससे अब वो पूरी दुनिया घूम सकता है। अब यहाँ अलादीन की एक खूबी देखकर सुल्तान उसके साथ अपनी बेटी जैस्मिन का रिश्ता करने के लिए मान जाते हैं, जिससे सभी काफी खुश होते हैं। इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यही समाप्त हो जाती है। पर अगर आपको लग रहा है ये कहानी यही खत्म हो जाती है तो ऐसा नहीं है, इसके आगे और भी दो पार्ट्स है जिन्हें अगर आपको देखना है तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं इसके अगले पार्ट के एक्सप्लेनेशन पर, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई, यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।